भारत और विश्व इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। तो आइए जानते हैं आज के दिन हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। बाजीराव द्वित्य को 1796 में मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। एंड्रयू जैक्सन ने 1828 में अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति चुने गए। अंग्रेजों ने 1824 में मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगाकर फिर कित्तूर का किला घेर लिया था। वॉइसरॉय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जॉर्जेज क्लाउड द्वारा 1910 में विकसित विश्व के पहले नियॉन लैंप का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन हुआ। भारत और नेपाल ने 1959 में गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RS-75 1967 में थुनबा से प्रक्षेपित किया गया। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो 1967 में नजरबंद किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। जीन बेडेल बोकासा ने 1977 में स्वयं को मध्य अफ्रीकी साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। विसिट फॉक्स 2000 में मैक्सिको के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। फिलीपींस में 2012 में आए भूफा तूफान से कम 475 लोगों की मौत हुई थी। अब हम बात करेंगे 3 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। इटली के विख्यात राजनेता और इतिहासकार निकोलो मैकवेल का फ्लोरेंस नगर में 1469 में जन्म हुआ था। भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1874 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार का जन्म 1888 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ था। हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक यशपाल का जन्म 1903 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जनकवि रमाशंकर यादव विद्रोही का जन्म 1957 में हुआ था। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज का जन्म 1982 में हुआ था। बात करेंगे दिसंबर में हुए निधन के बारे में। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का निधन 1971 में हुआ। भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का निधन 1979 में हुआ। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को सकालनो का निधन 1980 में हुआ था। सुरीनाम को 1975 में नीदरलैंड की दास्ता से मुक्त कराने वाले नेता हैंक एरोन का निधन 2000 में हुआ। फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद का निधन 2011 में हुआ था।